अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं तालिब हैदर। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। मलाला यूसुफजई के सर में लगी गोली निकाल ली गई, हालत बेहतर होने की उम्मीद। सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज का कहना है कि रात मलाला का 3 घंटे का ऑपरेशन किया, गोली उस वक्त निकाली गई जब वो सर से उतरकर कांधे तक आ गई थी। मलाला की नींद बेहोशी ताहाल बरकरार, एयर एम्बुलेंस तैयार, बैरून मुल्क भेजने के हतमी फैसले के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास सीएमएच में जारी। दहशतगर्दी की शिकार मलाला यूसुफजई की सेहतयाबी के लिए मुल्क भर के स्कूलों में बच्चों ने दुआएं मांगी। वजीर कानून फारूक एजनाइक ने स्विस हुकाम को लिखे जाने वाले खत का नया मुसवदा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, जजेस जायजा लेने चेंबर में चले गए। बलोचिस्तान अमन अमान केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में जारी, बच्चों के वनी केस में एमपीए तारिक मसूरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ड्रोन तैयारे का घर पर मिसाइल हमला, 5 अफराद हलाक हो गए।